सो है गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोहित शर्मा व मार्टिन गप्टिल के बीच टेस्ट, ओडीआई और टी20 एंड ओवरऑल बैटिंग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों प्लेयर्स में बेस्ट प्लेयर कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले हम रोहित शर्मा व मार्टिन गप्टिल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ है, वही मार्टिन गप्टिल का जन्म 30 सितंबर 1986 को हुआ है। रोहित शर्मा की करंट एज 34 वर्ष है, वही मार्टिन गप्टिल की करंट एज 34 वर्ष है। रोहित शर्मा की हाइट 5 फीट 8 इंच है, वही मार्टिन गप्टिल की हाइट 6 फीट 2 इंच है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, वही मार्टिन गप्टिल टीम न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड है, वही मार्टिन गप्टिल की बैटिंग स्टाइल भी राइट हैंडेड है। दोस्तों, सबसे पहले हम रोहित शर्मा व मार्टिन गप्टिल की टेस्ट बैटिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे। रोहित शर्मा का टेस्ट में डेब्यू 2013 में हुआ था, वही मार्टिन गप्टिल का टेस्ट में डेब्यू 2009 में हुआ था। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 38 मैच खेले हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टेस्ट में 47 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 64 इनिंग्स में 2615 रन बनाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टेस्ट में 89 इनिंग्स में 2586 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का टेस्ट में एवरेज 46.69 का है, वही मार्टिन गप्टिल का टेस्ट में एवरेज 29.38 का है। रोहित शर्मा का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 58.39 का है, वही मार्टिन गप्टिल का टेस्ट में स्ट्राइक रेट 46.61 का है। रोहित शर्मा का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 212 रन है, वही मार्टिन गप्टिल का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 189 रन है। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 7 सेंचुरी व 12 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही मार्टिन गप्टिल ने टेस्ट में 3 सेंचुरी व 17 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 274 चौके व 59 छक्के लगाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टेस्ट में 326 चौके व 23 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 41 कैच पकड़े हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टेस्ट में 50 कैच पकड़े हैं। दोस्तों, अब हम इन दोनों प्लेयर्स के बीच वनडे बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा का वनडे में डेब्यू 2007 में हुआ था, वही मार्टिन गप्टिल का वनडे में डेब्यू 2009 में हुआ था। रोहित शर्मा ने वनडे में 227 मैच खेले हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने वनडे में 186 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में 220 इनिंग्स में 9205 रन बनाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने वनडे में 183 इनिंग्स में 6927 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का वनडे में एवरेज 48.96 का है, वही मार्टिन गप्टिल का वनडे में एवरेज 42.23 का है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 88.90 का है, वही मार्टिन गप्टिल का स्ट्राइक रेट 87.72 का है। रोहित शर्मा का बेहतरीन स्कोर 264 रन है, वही मार्टिन गप्टिल का बेहतरीन स्कोर 237 रन है। रोहित शर्मा ने वनडे में 29 सेंचुरी व 43 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही मार्टिन गप्टिल ने 16 सेंचुरी व 37 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने वनडे में 832 चौके व 244 छक्के लगाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने 702 चौके व 181 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने वनडे में 78 कैच पकड़े हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने वनडे में 93 कैच पकड़े हैं। दोस्तों, अब हम इन दोनों प्लेयर्स के बीच टी20 बैटिंग कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा का टी20 में डेब्यू 2007 में हुआ था, वही मार्टिन गप्टिल का टी20 में डेब्यू 2009 में हुआ था। रोहित शर्मा ने टी20 में 111 मैच खेले हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टी20 में 101 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने टी20 में 103 इनिंग्स में 2864 रन बनाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टी20 में 97 इनिंग्स में 2895 रन बनाए। रोहित शर्मा का एवरेज 32.54 का है, वही मार्टिन गप्टिल का एवरेज 32.16 का है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 138.96 का है, वही मार्टिन गप्टिल का स्ट्राइक रेट 135.97 का है। रोहित शर्मा का टी20 में बेहतरीन स्कोर 118 रन है, वही मार्टिन गप्टिल का टी20 में बेहतरीन स्कोर 105 रन है। रोहित शर्मा ने टी20 में 4 सेंचुरी व 22 हाफ सेंचुरी लगाई है, वही मार्टिन गप्टिल ने टी20 में 2 सेंचुरी व 17 हाफ सेंचुरी लगाई है। रोहित शर्मा ने टी20 में 252 चौके व 133 छक्के लगाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने 255 चौके व 142 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा ने टी20 में 41 कैच पकड़े हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने टी20 में 58 कैच पकड़े हैं। शर्मा व मार्टिन गप्टिल के बीच सभी फॉर्मेट को एक साथ मिलाकर रिकॉर्ड्स कंपैरिजन करेंगे। रोहित शर्मा ने कुल 376 मैच खेले हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने कुल 334 मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने कुल 387 इनिंग्स में 14684 रन बनाए हैं, वही मार्टिन गप्टिल ने कुल 369 इनिंग्स में 12408 रन बनाए। रोहित शर्मा का बेहतरीन स्कोर 264 रन है, वही मार्टिन गप्टिल का बेहतरीन स्कोर 237 रन है।
रोहित शर्मा ने कुल 40 सेंचुरी व 77 हाफ सेंचुरी लगाई है। भाई मार्टिन गप्टिल ने कुल 21 सेंचुरी व 71 हाफ सेंचुरी लगाई। रोहित शर्मा ने कुल 1358 चौके व 436 छक्के लगाए हैं। भाई मार्टिन गप्टिल ने कुल 1283 चौके व 346 छक्के लगाए। तो दोस्तों ये था रोहित शर्मा व मार्टिन गप्टिल के बीच टेस्ट ओडीआई एंड टी20 बैटिंग कंपैरिजन। तो दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों प्लेयर्स में बेस्ट प्लेयर कौन सा है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।